हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं काजोल। आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा हाल ही में रिलीज हुई थी। रिलीज होने से पहले ही ये काफी विवादों में रही थी। करीना कपूर खान, मोना सिंह और नागा चैतन्या अभिनीत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड का शिकार हो गई। अब आमिर खान की इस फिल्म के फ्लॉप होने को लेकर अनुपम खेर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने एक्टर पर तीखा हमला बोल दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान बॉयकॉट ट्रेंड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अनुपम खेर ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनकी एक प्रवृत्ति शुरू करनी चाहिए तो वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ट्विटर पर हर दिन नया ट्रेंड आते रहते हैं। आमिर खान के साथ विल दिल है कि मानता नहीं और अन्य जैसी कल्ट फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता ने उन पर कटाक्ष किया और 2015 में असहिष्णुता के बारे में अपने विवादास्पद बयान के बारे में बात की। आमिर की असहिष्णुता टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि आपने अतीत में कुछ कहा है तो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा। नागिन 5 फेम एक्ट्रेस सुरभि चंदना हाल ही में शूटिंग के दौरान बुरी तरह से चोटिल हो गई। हाथ पर तो उन्हें कई खरोंचे आई हैं। एक तस्वीर शेयर कर सुरभि ने जानकारी दी। इसमें आप उनकी चोट को गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर में सुरभि अपना एक हाथ दिखाती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर कई गंभीर खरोंचे नजर आ रही हैं। एक डांस प्रैक्टिस के दौरान वो बुरी तरह से चोटिल हो गई हैं। एक वीडियो में ये भी बताती दिखी कि उन्होंने हाथ के अलावा पैर और कमर में भी चोट का एहसास किया है। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने अपकमिंग फिल्म का ऐलान हुआ था और अब सोनाक्षी ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस की शूटिंग लंदन में शुरू की। फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने सोनाक्षी के गामी फिल्म की जानकारी साझा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस क्लैप बोर्ड हाथ में लेकर नजर आ रही हैं। दोबारा ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं की थी, मगर बढ़ते समय के बाद फिल्म को पसंद किया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। दोबारा ने रविवार को अच्छा बिजनेस किया। वेब पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा ने तीसरे दिन की कमाई 1 करोड़ का बिजनेस किया है। इस फिल्म में पहले दिन में 72 करोड़ और दूसरे दिन में 1 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद टोटल कलेक्शन करीब 3 करोड़ हो जाता है। पुष्पा के मेकर्स ने खुद पूजा सेरेमनी की अनाउंसमेंट की है, जिसके बाद से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। पूजा सेरेमनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अल्लू अर्जुन के फैंस इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। फोटो में फूलों से पुष्पा द रूल लिखा नजर आ रहा है। कपिल ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को चौंका कर रख दिया। हाल ही में उन्होंने अपने नए लुक की तस्वीर शेयर की है। इसी बीच कपिल ने रैंप वॉक किया। शो स्टॉपर बने कपिल शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। कपिल के इस रैंप वॉक के आगे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं है। उन्होंने स्टेज पर कुछ ऐसा कर डाला कि हर कोई चौंक गया। कपिल शर्मा ने रैंप वॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस वीडियो में वो गोल्डन प्रिंट पैंट के साथ ब्लैक कलर का जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। कपिल को इस लुक में देखकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो रैंप वॉक करते हुए आगे आते हैं और आखिर में ऐसे पोज देते हैं जिसे देखकर हर किसी की हंसी छूट जाती है। कपिल का पोज देखकर ना सिर्फ ऑडियंस में बैठे लोग बल्कि स्टेज पर मौजूदा बाकी मॉडल्स भी जोर जोर से हंसने लगती हैं। रोहित शेट्टी के शो से एक और एक्ट्रेस एलिमिनेट हो गई हैं। रविवार को कुमकुम भाग्य फेम श्रीति झा आउट हो गई। एलिमिनेशन राउंड में श्रीति को जन्नत के साथ टास्क करना था, जो वो सही तरीके से नहीं कर पाई और उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा। शो में श्रीति ने पहले राजीव आदित्य के साथ पार्टनर स्टंट किया, जहां श्रीति पानी में थी और राजीव को एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स से चाबी निकालनी थी। वो ये टास्क नहीं कर पाई और अबॉर्ट कर दिया। श्रीति को टास्क अबॉर्ट करता देख रोहित शेट्टी खुद चौंक गए, जिसके बाद वो डायरेक्ट एलिमिनेशन में चली गई। तो इसी तरह के मजेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलीवुड गपशप के साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।